कि पहले तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम होना चाहिए, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि यहाँ पर हम कुछ कर करा नहीं रहे इसको लेकर। साथ साथ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल FIA हैं पाकिस्तान से, वो भी शरीक थे। और उनसे अब आपके यहाँ के मीडिया ने पूछा कि जी दाऊद इब्राहिम और साथ साथ हाफिज सईद का नाम लिया कि वो आप इंडिया के हवाले कब करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपके ख्याल से कोई किसी किस्म का कोई डायलॉग या कोई एक एग्रीमेंट टाइप की कोई चीज होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, जिससे कि हम एक दूसरे से डिमांड है, हमने तो खैर क्या डिमांड करनी है, लेकिन आप हमसे डिमांड कर सकें कि आप किसी को यहाँ पे, जैसा वो है दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद या किसी की भी बात जो आप करते हैं, उसके लिए आप एक प्रॉपर चैनल के जरिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पर रिक्वेस्ट डाले या फिर बात करे या कहे कि दे दे, उस तरह से बात हो, या आपके ख्याल से सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करके ये मसला हल होगा? हैंड इन हैंड वो बिल्कुल क्लियर। और आज भी मोदी जी ने वही कहा, नाम नहीं लिया पर वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इशारे एक ही तरफ जा रहे थे, सब कैमरा एक ही तरफ फोकस हो रहे थे। तो अब ये जो भट्ट साहब का जो आज इन्होंने स्टंट मारा है, इससे प्रूव होता है कि आप कुछ छुपा रहे, कुछ दबा रहे, कुछ चीज को आप मतलब ना कहीं किसी किसी को सात पर्दों के पीछे रख रहे हैं। अब उस वो आपको इतना अजीज क्यों है, उसके कारण आप अपनी देश की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उसमें पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। मतलब देखिए, इस्लामिक टेरर और पाकिस्तान सिनोनियम बन गए उन चीजों को लेके। भाई हर दुनिया का हर टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता है। मुशरफ साहब ने कहा था, दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ते रहते हैं। अभी ये लेस्टर में दंगा हुआ, ये जो इनका सरगना ये भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है। ये बर्मिंगम में दंगा हुआ, जो इसका सरगना है वो भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है। अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, इसके आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। और वो मैं देख रहा था, भट्ट साहब ने तो कुछ किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे से कर लिया और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। वो कहते हैं ना पंजाबी में, कहते हैं मैंने तेनों वेखिया ही नहीं, मैं तो तुझे देखा ही नहीं पड़ी, वो वाली बात कर दी। पर देखिए, सच्चाई बदलेगी नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में, सलाउद्दीन पाकिस्तान में। कल परसों मैं देख रहा था, सलाउद्दीन के साथ आपने तो 10-15 कमांडो भी लगा रखे हैं एज यूजल, तो उसको किससे खतरा? सलाउद्दीन को किससे खतरा सलाउद्दीन पाकिस्तान में? अब आपने एक बात की आरजू जी, प्रॉपर चैनल की। आरजू जी, चैनलें बन बन के घिस गई, जूतियां घिस गई, चप्पलें कट गई, कौन से चैनल कौन से डोजियर की बात करें? यहाँ तो आप एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं, आप तो ये ना कंफर्म करते हो ना डिनाई करते हो। या तो आप बोल रहे हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं तो नहीं बोलते, या तो बोलते जी हमारे नहीं पता। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं अजीत डोवाल साहब, तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपके नेशनल एसेट है। क्या ये कहना गलत है? क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है इंटरनेशनली भी, ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम कोकीन वगैरह का धंधा चलता है, ये दाऊद का जो सर्कल्स है ये इसको चलाते हैं, और उनमें से कट जाके आपको मिलता है, आपके ISI को मिलता है, रेवेन्यू शेयर पे ISI उसका काम कर रही, तभी उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। पहले कराची में था, कहीं आपने खैबर पख्तूनवा वगैरह में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां रख रखा है। तो अगर आपके लिए इतना बड़ा नेशनल एसेट नहीं हो, अगर आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी जलालत, इतनी ह्यूमिलेशन के बाद वाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? अब वही मैंने जैसे सलाउद्दीन की बात की, सलाउद्दीन को किससे डर? उसके आगे पीछे 15 कमांडो क्यों उठ रहे पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान पुलिस के? वाई डज पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस नीड टू प्रोटेक्ट सलाउद्दीन? तो ये सवाल आरजू जी बहुत पेचीदा है, बहुत डायरेक्ट है। और अब दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है कि दुनिया के हर स्टेज पर आपको काउंटर किया जा रहा है। अच्छा, ये भट्ट साहब सोचे नहीं होंगे कि वहां कोई आके डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा और सीधा सीधा नाम लेके पूछ लेगा? तो भट्ट साहब तो पहले इधर उधर देखे, फिर हाथ भी और इधर देख ले। अब वो वाली बात होगी ना, वो कि वो जैसे हमें बचपन में टीचर मारती थी, जब थप्पड़ लगता था तो बाकी हमारे आसपास बच्चे देखते थे, तो हम कहते थे हमें तो लगी नहीं। तो वो वाला स्टैंड आपने कर दिया। पर दिक्कत है, परेशानी है, आपके एक सिस्टमेटिक फेलियर है जिसको आप अब छुपा नहीं पाओगे। और आज हम आपको कह रहे हैं, आप जहां जाओगे आपको कोई ना कोई स्टेज पे जाके कन्फ्रंट करेगा, और आप कितने लोगों से छुपोगे, कहां कहां तक नजरें छुपाओगे, और ये नजरें छुपाने का कारण क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको नजरें छुपाने पड़ रही है? अरे भाई क्या है वो, तो जरूरी है। और आरजू जी सच बताऊं, ना आपको डोजियर चाहिए, ना आपको दस्तावेज चाहिए, ना आपको चैनल चाहिए, आपको सब पता है। अब ये लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान आर्मी का आपने चाइना से इसका टेक्निकल होल्ड नहीं लगवाया। जो मीर है, मेजर मीर या जो भी इसका टाइटल रहा है, इसके चक्कर में आपने टेक्निकल होल्ड लगवाया। मसूद अजहर के चक्कर में आप चाइना से टेक्निकल होल्ड लगवाते हैं।
तो ये जो पाकिस्तान का जो खेल है ये सबके सामने आ गया है, और आज उस खेल में एक और परत, एक वो जूट की एक और परत हट गई, और आज तो ये हुआ कि इंटरनेशनल फोरम पे आप मुंह छुपाते रह गए। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, और वो ये कि अगर कोई किसी कंट्री का सिटीजन हो, जैसे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो जी उसको तो पकड़ने के लिए और भी कई तरीके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है पाकिस्तान को, और वो इंटरपोल वगैरह के जरिए भी जो पकड़ धकड़ होती है, तो आप लोग वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही कि इतने सालों से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जी तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो यहाँ है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पता नहीं वो कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन फिर भी सर आप लोग तो उसको इंटरनेशनल तरीके से जो प्रोसेस होता है थ्रू प्रॉपर चैनल उस तरह से भी पकड़ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए आरजू जी, बात क्या है, देखिए अगर आप इंटरपोल वगैरह की बात करें तो एक रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी किया जाता है, जब वो कहीं एयरपोर्ट्स ट्रांजिट कर रहे हो कहीं हो तो इंटरपोल उनको वहां पकड़ सकती है, वहां अरेस्ट कर सकती है। पर पहले आप वो कराची में थे, कराची में आपने उठा के उसको खैबर पख्तूनवा में डाला, खैबर पख्तूनवा में तो आपकी नहीं चलती, आपकी आर्मी जाने से वहां डरती है, तो और वहीं से ये सारा ओपीएम का बिजनेस बिजनेस राउट होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये रूट तो यही है। अगर वहां ये नहीं, ये वहां ये काम हो रहा है तो वहां पकड़ने पकड़ने आने का तो सिस्टम ही नहीं है, फिर तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। पकड़ने पकड़ाने का सिस्टम नहीं है, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आप बताइए, दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन आपके कंटोनमेंट में रहता, सुनिएगा, दो चार बीवियां रहती हैं, दो चार बच्चे पैदा होते हैं, खूब बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, खातिर तवाजु चल रही, राशन भी आ रहा है, दवाई भी आ रही, दारू भी आ रही, बच्चों की डायपर भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ये बताती, हमें तो पता ही नहीं यार कौन रह रहा है यहाँ पे, उसके आसपास चिड़िया पर नहीं मार सकती, आपको ये नहीं पता उसके यहाँ क्या रहा है। तो आप कहने का मतलब क्या है कि कल को एक यहाँ से बंदा जाएगा पाकिस्तानी कैंट में जाएगा, वहां जाके रहेगा, दो चार बीवियों दो चार गर्लफ्रेंडों के साथ रहेगा, खूब बच्चे बच्चे पैदा होंगे, ऐश इशरत होगी, और पाकिस्तानी आर्मी को ये नहीं पता भाई ये है कौन। भाई आप अपने आप को इतना डाउनग्रेड ना करें ना ताकि लोग आप पे शक करें। अब फिर आपने एज यूजल बोल दिया कि हमें नहीं पता, और जब जब अमेरिका ने उसे मार डाला फिर नियाजी साहब कहते शहीद आजम है, शहीद आजम नियाजी साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो आरजू जी, जब यहाँ हिपोक्रेसी ऐसी है, वर्ल्ड का नंबर वन टेररिस्ट है और यहाँ, और उससे आपको कोई फायदा नहीं है, बस आप मतलब यू डोंट, यू आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम हिम। यहाँ तो इस बंदे को आपके साथ रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट है, आपका रेवेन्यू शेयर के एग्रीमेंट के होते हुए आप उसको कैसे पकड़वा सकते हो, उसको कैसे कुछ बोल सकते हो? तो सवाल यहाँ ये यह है, अब हाफिज सईद आपका नेशनल एसेट है, अब ये सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन आपका नेशनल एसेट है, नहीं तो मुझे बताइए सलाउद्दीन को आपके आपके फौज के कमांडो क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर वो टेररिस्ट और आपको पता नहीं कहाँ है तो वही सलाउद्दीन बीन प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान पुलिस कमांडोस। व्हाट हैज पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान पुलिस गॉट टू डू विद सलाउद्दीन? सलाउद्दीन तो कश्मीरी है, दाऊद इब्राहिम भी हिंदुस्तानी, सलाउद्दीन भी तो हिंदुस्तानी है, तो नहीं दे दीजिए ठीक सलाउद्दीन को। है, नहीं सर ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफिज सईद को भी प्रोटेक्शन दी गई है, और बाकी लोगों के भी जो नाम आप ले रहे हैं सलाउद्दीन वगैरह, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है ना, तो आपके ख्याल से कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इंडियन लॉ जो है वो नहीं लगता, या जैसे होता है कि कोई इस किस्म का अगर क्रिमिनल हो किसी दूसरी कंट्री में भाग जाए हमारी कंट्री का, हमारे तो अक्सर वो जो हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं उन तक का कहा जाता है कि ये करप्शन करके गए तो इसके जरिए वापस ले आएंगे, उसके उस सिस्टम के जरिए वापस ले आएंगे, तो ऐसा कुछ भारत नहीं सोचता दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए? देखिए आरजू जी, अगर वो नॉर्मली जाके छुपा हो कहीं पे भी तो एक प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके कारण आप उसको एक्सट्राडाइट कर सकते हैं। देखिए अबू सलीम को हम पुर्तगाल से ले आए थे, कई सारे लोग हमने सऊदी वालों ने तो शायद दर्जनों में हमें लोग हैंड ओवर किए, दर्जनों में, बांग्लादेश ने बहुत सारे लोग हमें हैंड ओवर किए, कई सारी इस्लामिक कंट्रियाँ जहाँ हमें बहुत लोग हैंड ओवर हुए, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने हमें किए, बहरीन ने हमें लोग दिए, मतलब और ऐसे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ जहाज में वहां बिठाया यहाँ उतारा, मतलब स्पेशल प्लेन में भी लोग मतलब ना लोड करके लाए गए यहाँ पे। नाम लेना ठीक नहीं है, आपको भी पता होगा मैं किस बात कर रहा हूँ, जितने पब्लिक मीडिया में इंफॉर्मेशन है, बट कहने की बात यह है वहां की गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेटिव थी, वहां की गवर्नमेंट उनको पकड़वाना चाहती थी। दिक्कत यह है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट ही उसे बचाना चाहता है, वहां की गवर्नमेंट के लिए वो आदमी लाइबिलिटी थी, आपकी गवर्नमेंट के लिए वो आदमी एसेट है। तो आप देखिए ना ओसामा बिन लादेन, क्या लगता है आपको आपकी आर्मी के आपकी गवर्नमेंट की मर्जी के बिना बैठा था क्या अबोटाबाद में? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो
तो जब गवर्नमेंट ही आरजू जी पर प्रोटेक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ही बचा रही है, कराची से आपने निकाल के उसको खैबर पख्तूनख्वा में रखा है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग हिम, सीधी सी बात है। मैंने बताया आप दाऊद इब्राहिम क्यों की बात करते हैं, सलाउद्दीन भी तो इंडियन सिटीजन है, सलाउद्दीन भी तो कश्मीरी है, तो सलाउद्दीन को भी तो प्रोटेक्ट कर रखा ना आपने। अब यही वाली बात है, जब लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर जन बाजवा साहब अच्छी बात करते, पीस की बात करते, मैं कभी इस चीज को, मैं हमेशा इस चीज को पॉलिसी लॉजिकल ग्राउंड पे करता हूं। मैं कहा देखिए, आपने ऐसा कोई टेररिस्ट आतंकवादी भारत को नहीं दिया, नहीं दिया ना, मैंने तब भी आपको बता दाऊद है, सलाउद्दीन है, बहुत सारे नाम दिए आपने, आपके यहाँ ड्रोन एक्टिविटी नहीं रुकी, आपके यहाँ जो आर्म्स की स्मगलिंग है वो नहीं रुकी, आपकी बैटरीज बॉर्डर पे एक्टिव है वो नहीं रुकी, आपका इंट्रूजन और टेररिस्ट लॉन्च पैड पे पूरे हो रहे, ट्रेनिंग पूरी हो रही, कैंप पूरे खुले, अब भी हथियारों पे पाकिस्तान की मार्किंग मिलती है, PF5 पे रेड होता वहां पाकिस्तान का नाम आता है। तो जहां भी कोई लफड़ा झगड़ा होता है उसके कहीं ना कहीं तब पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं। इन 10 चीजें मैंने गिनाई, अगर इन 10 चीजों में से एक चीज भी कम नहीं हुई तो हाउ कैन वी ट्रस्ट जनरल बाजवा, वो कहते जी आई वॉन्ट पीस विद इंडिया, बट अगर 10 में से 5 चीजें भी ग्राउंड पे हिलती तो हम कहते हैं हाँ लगता है कि आपकी बात पीस कर रहे हैं, पर आप पीस चाहते हैं, पीस के कोशिश कर रहे हैं। बट आरजू जी आप देखिए, देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड व्हिच इज मूविंग। हमें क्या, हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता सलाउद्दीन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा, पता बिल्कुल पता, हमें नहीं पता सलाउद्दीन कहां रह रहा, बिल्कुल पता है। अब तो हमने वो प्रीडेटर ड्रोन्स भी लिए, देखिए अब आगे क्या होता है, बट पता तो हमें भी सब कुछ है, कौन कहां रहता है, कौन कहां है, कौन कहां उठता, कौन कहां बैठता है। अमेरिका ने आपको डोजियर नहीं दिए, बिल्कुल दिए, अमेरिका ने नहीं बताया ओसामा बिन लादेन का कहां है, फिर अमेरिका को एक दिन पता लग गया भाई पाकिस्तान को बोल बोल के कुछ नहीं होगा, उसका नाम पता निकाला, ऑपरेशन प्लान के अबूटा बात किया, निकल लिए। सोल्यूशन यही है आरजू जी, मैं डायरेक्ट कहता हूँ सोल्यूशन यही है, आपके यहाँ से इतने तार जुड़े होते हैं लोगों के कि आप कहाँ कहाँ से किस किस का कितने कितने तार काटोगे। और तभी आई फाइंड फाउंडेड ऑक्सीमोरॉनिक व्हेन पीपल टॉक कि भाई हम तो पीस चाहते हैं, हम तो ट्रेड चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, बट ऑन द ग्राउंड यू आर डूइंग नथिंग टू स्टॉप एंटी इंडिया एक्टिविटीज, टू एंटी टू स्टॉप एंटी इंडिया रेटोरिक एंड टू स्टॉप एंटी इंडिया वेनम, वो आप कुछ करते नहीं। हाँ बातें जरूर कर लोगे, पीस चाहिए जी, वो चाहिए जी, अब सब दोस्ती होगी। अब ये बताइए जो इस साइड के लोग हैं, हमारी तरह के लोग हैं, वो भी तो असेसमेंट करेंगे ना। अब अजीत डोवाल साहब देखिए, वो कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, चलो मुझे कोई बोल दो मैं मान भी जाऊँगा, बट अगर आप अजीत डोवाल से बात करो, अजीत डोवाल अंडरस्टैंड्स दिस गेम 1000 times बेटर देन मी। उन्हें तो एक वो तो मतलब ऐसे खिलाड़ी के आप एक स्टेप चेस का चलो, वो ये भी प्रेडिक्ट करेंगे 11वां स्टेप वो कौन सा होगा, मुझे साथ निशा दो। लेकिन सर बस सर तो ऐसे को कैसे कन्विंस करोगे, आपका एक्शन नहीं है ग्राउंड पे आरजू जी, ग्राउंड एक्शन इज नॉट ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल, लेकिन सर साथ साथ ये भी है, ओसामा बिन लादेन के ऊपर मैं बोलना चाह रही थी, ये भी कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका ने खुद ही रखा हुआ था और ये सब कुछ था, खैर वो एक अलग चीज है, मगर बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि रिजल्ट नजर आएगा, और चाहे थोड़ा ही सही लेकिन रिजल्ट नजर आएगा तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। मगर बहरहाल कहा, हमारे यहाँ से तो यही कहा जा रहा है कि जी हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें मेन रीजन जो है वो इंडिया नहीं है बल्कि FATF है, और हमने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना है। इन सर साथ साथ